हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज टिप्स। आज मैं गेहूं से बनी बहुत ही खास रेसिपी लेकर आई हूं, जो खाने में टेस्टी तो है ही, हेल्दी भी है। इसे आप छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं और बड़ों के लिए भी। तो वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने ये भीगे हुए गेहूं लिए हैं। इसके लिए मैंने आधा कप गेहूं को पानी से खूब अच्छे से वॉश कर लिया था। किसी भी अनाज को खाने में यूज़ करने से पहले उसे खूब अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि ये कई तरह की प्रोसेसिंग के बाद हम तक पहुंचते हैं तो इनमें काफ़ी सारी अशुद्धियाँ होती हैं। तो ये हमने इसे अच्छे से धोने के बाद इसमें करीब एक ग्लास पानी डालकर रात भर के लिए भिगो दिया था। तो ये हमने भीगे हुए गेहूं का पानी निकाल कर इसे एक बार फिर से धो लिया है। अब इसे कुकर में डालेंगे। अब इसमें एक ग्लास पानी डालकर ढक्कन लगा देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए दो सीटी लगा लेंगे। तो ये दूसरी सीटी आ गई है, गैस बंद कर देंगे। तो इसका प्रेशर निकल चुका है, इसे खोलते हैं। ये देखिए, गेहूं अच्छे से पक गया है। अब हमें इसे मिक्सर में ग्राइंड करना है तो गेहूं जल्दी से ठंडा हो जाए, इसलिए इसे छन्ने में छान लेंगे। ये जो पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं, ज़रूरत पड़ी तो ग्राइंड करते समय इसे ही यूज़ करेंगे। तो ये हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। हमने इसे बहुत बारीक नहीं किया है, ये देखिए इस तरह से। थोड़ा पानी गेहूं ग्राइंड करते समय हमने यूज़ किया था, अभी ये जो बचा हुआ है इसे आगे यूज़ करेंगे। अब हमने कढ़ाई में करीब 3 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी डाला है, इसे गर्म करेंगे। अब इसमें ये ग्राइंड किया हुआ गेहूँ डालेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। अगर आप ये रेसिपी बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें घी की मात्रा थोड़ी कम कर दें और गेहूं को थोड़ा और बारीक पीस लें। ये रेसिपी उन महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी है जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है और उन्हें दूध कम होता है। फाइबर और प्रोटीन से भरपूर ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। आप चाहें तो गेहूं को बॉयल किए बिना भी इसे मिक्सी में पीस कर बना सकते हैं, पर फिर इसे आपको बाद में ज़्यादा पकाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें और अच्छे और नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि रेसिपी तो जल्दी बन जाती है पर इसे वीडियो में कन्वर्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये हमने इसे अच्छे से भून लिया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये इसका टेक्सचर देखिए। अब इसमें जो गेहूं बॉयल किया हुआ पानी बचा था उसे डाल देंगे, मिक्स करेंगे। ये देखिए, पानी सूख गया है। अब इसमें एक बड़ा ग्लास गरम दूध डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से रगड़ते हुए चलाएंगे ताकि इसकी रोड़ियाँ फूट जाएं। यह अभी थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है तो एक ग्लास दूध और डालेंगे और इसे भी मिक्स करेंगे। मैंने इसमें पूरा आधा लीटर दूध डाल दिया है, ठंडा होने के बाद यह और गाढ़ा हो जाएगा। मैंने आधा कप गेहूं लिया था,
तो इसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे। अब इसमें करीब 8-10 कटे हुए काजू डालेंगे और थोड़ी सी चिरौंजी डालेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अगर बहुत छोटे बच्चों के लिए आप ये डिश बना रहे हैं तो ड्राई फ्रूट्स पीस कर मिला दें। अब गैस बंद कर देंगे और इसमें थोड़ी सी किशमिश डालेंगे। मैं दूध वाली रेसिपी में किशमिश हमेशा गैस बंद करने के बाद ही डालती हूँ, क्योंकि कई बार किशमिश डालने के बाद दूध फट जाता है। आप इसमें बादाम ज़रूर डालिएगा, मेरे पास अभी ख़त्म हो गए हैं इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो ये रेसिपी एकदम रेडी है, आप इसे गेहूं की दलिया भी बोल सकते हैं। मैं इस रेसिपी का क्रेडिट अपनी भांजी शिखा को देना चाहूँगी, उसने भी अपना नया चैनल स्टार्ट किया है, आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अर्नव्स किचन के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।